ये प्रयोग बच्चे छोटे बड़े सभी कर सकते हैं जिनकी याददाश्त कमजोर है, जो जल्दी ही किसी बात को भूल जाते हैं। छोटे बड़े सभी के लिए लाभदायक है, हम भी करते हैं घर पे। बहुत ही दिखने में छोटा सा प्रयोग है लेकिन इसका रिजल्ट चमत्कारिक रिजल्ट आता है। माता पिता और बच्चों के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। जो प्रेम माता पिता के पास अपने को खोजना है वो प्रेम आजकल हम टीवी मोबाइल में घंटा भर खोजते रहते हैं। जो सुख हमें माता पिता के चरणों में मिलता है वो सुख न जाने हम कहां कहां खोजते रहते हैं। हमें बचपन में सब कुछ याद था लेकिन ऐसे ही वातावरण में कुछ न कुछ हम दिन दिन भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में बड़ी महानता है, बड़ी मजबूत संस्कृति है हमारी। विश्व की चार संस्कृति थी, तीन संस्कृति को तो गुलाम बनाने के चक्कर में धराशायी कर दिया, लेकिन भारतीय संस्कृति अभी भी जीवित और मजबूत है। क्योंकि जब तक भारतीय संस्कृति का हम सभी मिलकर आदर और सम्मान करते रहेंगे तब तक हमारी भारतीय संस्कृति को कोई नहीं मिटा सकता। भगवान के ही रूप माता और इनके ही प्यार से चले इस बात का पता, इनके ही प्यार से चले इस बात का पता। भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। गणित है उपकार तुम इस बात को मत भूलना, गणित है उपकार तुम इस बात को मत भूलना। जिनके ऋण से इस देह का है रोम रोम भी भरा, जिनके ऋण से इस देह का है रोम रोम भी भरा। क्या दोगे उसको जिसने तुमको गर्भ में था धारण किया, दोगे उसको जिसने तुमको गर्भ था धारण किया। 9 माह का समय तुम्हारे पोषण में दिया, 9 माह का समय तुम्हारे पोषण में दिया। भगवान के ही रूप है ये माता और पिता, भगवान के ही रूप है ये माता और पिता। भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप को उसने जीवन विफल किया, भगवान के ही रूप है ये माता और पिता, भगवान के ही रूप है ये माता और पिता। इस दुनिया में लाया मुझे बोल न चल न सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया
मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब देव भी मात पिता के उपकार चुका ना पाए, ना कोड़ा दरबार प्रदीप किन शब्दों में गुण गाए। मैं फर्ज निभा पाऊं तो समझूंगा अंश चुकाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माता पिता की अवश्य क्षमा करें, उनका कृदा मानेगा।
और माता पिता की अलावा खुश नहीं है और आप सबको धन्यवाद देता हूँ, ऐसे कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। योग वेदांता समिति बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रोग्राम किया, बहुत देखा, लेकिन आज जो प्रोग्राम देखे हूं मैं बे प्रोग्राम सब प्रोग्राम के वे सारा प्रोग्राम हमारा सारा प्रोग्राम जीते है। भारत विश्व गुरु होने का कारण एक ही था कि उस समय मात पिता की पूजा हुआ करती थी और उनके आशीर्वाद से जो है विश्व गुरु कहलाता था। हमें अपने माता पिता के आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनका उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और ये सारी स्कूलों में होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। अगर हम लोग सभी सुबह अगर स्कूल जाते हैं या कहीं पे भी ऑफिस में जाते हैं, अगर अपने माता पिता के पैर छूके जाते हैं तो उससे हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है और इसी से हमें ये सब पता चलता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं और ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस है इसको हर जगह करना चाहिए ताकि इससे सभी मोटिवेट हो सके। जो बापूजी ने ये मातृ पितृ पूजन का जो 14 फरवरी का जो चलाया है ये बहुत ही बढ़िया है। ये मासूम बच्चे ये नींव है अपनी भारत की और ये जब तक मजबूत नहीं होएगी तब हमारी भारतीय संस्कृति हमारा भारत खतरे में। मातृ पितृ पूजन दिवस तो इसके आधार पर ही भारतीय संस्कृति जीवित रहेगी, जीवित रहने के आधार पर ही अपने जो भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिलने वाला है तो इसी संस्कृति इसी मतलब ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं अपने सामाजिक कार्यक्रम उसके आधार पर ही अपने को भारतीय संस्कृति में भारत को मतलब विश्व गुरु का दर्जा मिल सकता है। हमें मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए, आज मैंने ये मनाया तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, मेरे दोस्तों ने भी मनाया, उन्होंने वास्तव में इसकी बहुत बड़ाई की थी और मैं भी करना चाहता हूँ, ये हर साल मनाना ही चाहिए और हमें मैं मनाऊँगा भी।